द गार्डन ऑफ वर्ड्स। दोस्तों कुछ दिन पहले ही इसका हिंदी डब रिलीज हो चुका है और लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी इसको हिंदी डब में ही देखा था और मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा ही पसंद आई ये मूवी। और आज मैं आपको इस मूवी के बारे में ही बताने वाला हूँ, इसका कुछ छोटा सा रिव्यू करेंगे और कुछ बातें बताऊँगा आपको इस मूवी के बारे में। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो द गार्डन ऑफ वर्ड्स है, उसको लिखा है माकोटो सिंकाई ने, जो कि एक बहुत बड़े ही राइटर है और डायरेक्टर भी है। तो बहुत ही शानदार स्टोरी इन्होंने लिखी है द गार्डन ऑफ वर्ड्स की। तो इसकी स्टोरी क्या रहती है, इसमें एक बंदा रहता है जिसका नाम रहता है ताकाओ, जो कि रहता है 15 ईयर्स का, और उसको शूज़ के जो डिज़ाइन करना रहता है, जो भी शूज़ वूज डिज़ाइन करते हैं उसको बहुत पसंद आता है। जब भी वो खाली टाइम रहता है वो अपने जो शूज़ रहते हैं उसको डिज़ाइन करता रहता है, पेंटिंग्स बनाता रहता है शूज़ की, बहुत ही उसको लगाव रहता है शूज़ से। और जब भी बारिश होती है उसके शहर में तो वो अपने स्कूल को मिस करके एक गार्डन में जाता है और वहाँ बैठ के वो शूज़ को जो है वो डिज़ाइन करता है। तो यार उसका एक सपना रहता है कि वो बड़ा होकर शूज़ मेकर बनेगा, बहुत बड़ा वाला। अब ये हो गई ताकाओ की बात, पर इसमें एक और कैरेक्टर रहती है जिसका नाम रहता है युकिनो, जो कि रहती है 27 साल की। अब देख सकते हैं कि दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये भी वैसी है यार ताकाओ टाइप की, जब भी इसके शहर में भी जब भी बारिश होती है तो ये भी अपने ऑफिस को छोड़ के वही गार्डन में आती है और ताकाओ के साथ बातचीत करती है। दोनों का बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है और आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत ही एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और इसी कारण दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब क्या होता है, अब गर्मी का मौसम आ जाता है और दोनों एक दूसरे से फिर मिल नहीं पाते। तो यार उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कहानी में ट्विस्ट आता है और बहुत ज़्यादा इस मूवी में फिर आपको मज़ा भी आएगा। मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता, इस कारण मैं आपको आगे की स्टोरी नहीं बताऊँगा। पर यार अब ये स्टोरी की बात हो गई, प्लॉट हो गया ये, पर अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें जो एनिमेशन का काम किया वो है कॉमिक्स वेव स्टूडियोज़ ने, जो कि बहुत बड़ी बड़ी अदर्स एनिमी मूवीज़ को भी एनिमेशन दे चुकी है। और इस मूवी का जो रिलीज डेट था वो था 2013 अप्रैल और मई के बीच में ये रिलीज़ हुई थी जापान में। और इस मूवी का जो रनिंग टाइम है वो है ओनली 46 मिनट, जैसे कि होता रूबिनो मोरी था वैसी ये भी एक शॉर्ट एनिमी मूवी है। और यार सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसको देखने में। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो ये होता रूबिनो मोरी इससे ज़्यादा अच्छी मूवी है। तो यार अगर आपको होता रूबिनो मोरी ही पसंद आए तो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ ये मूवी भी आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। और इस मूवी का जो IMDb रेटिंग है वो है 7.6 out of 10, जो कि बहुत अच्छी बात है। IMDb किसी को भी इतना ज़्यादा अच्छा रेटिंग नहीं देता, तो यार आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी ज़्यादा औसम रहने वाली है। और यार अब तो ये हो गया जितनी भी कहानी वानी थी, जितने भी इसके इंफॉर्मेशन थी, अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में आता हूँ। तो दोस्तों ये जो मूवी है उसको जब मैंने देखा था तो यार मेरे को पता भी नहीं चला कि टाइम कितना जल्दी गुजर गया। मैं बिल्कुल इस मूवी से अटैच हो गया था और यार मैं यही सोच रहा था कि मेरे को और देखना है यार, आगे का और देखना है। पर यार तब भी जैसे होता रूबिनो मोरी था वैसी ये भी आधा में एंड हो जाता है। तो यार आगे की स्टोरी तो हम लोग को बताई नहीं जाएगी क्योंकि यार ये एक फाइनल मूवी है। पर यार तब भी ये जो मूवी है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और ये एक इमोशनल मूवी भी है। पर्सनली यार इस मूवी में एक से दो ही सीन है इमोशनल के, पर यार सही बता रहा हूँ वो जो एक से दो इमोशनल सीन है ना वो इतने तगड़े रहते हैं कि आप उसमें पक्का रो दोगे, इतने कमाल के सीन्स रहते हैं यार। और इस मूवी में आपको पता चलता है भाई कि असली इमोशनल क्या होता है। सही बता रहा हूँ यार, जो एनिमीस मूवी रहती है ना उसमें इमोशनल क्या चीज़ होती है वो हमको बताया जाता है असली। और बॉलीवुड मूवी में तो सिर्फ एक्शन के ऊपर ही फोकस करते हैं, इस कारण वो जो मूवीज़ रहती है बॉलीवुड की इतनी ख़राब बनती है कि देखने का भी मन नहीं करता। और सही बता रहा हूँ यार ये जो मूवी है वो एक मास्टरपीस है। पर्सनली मैं बताऊँ तो ये मूवी को 3-4 बार देख डाला हूँ लगातार भाई, क्योंकि यार एक बार में मन ही नहीं करता यार इस मूवी को देखने में। 3-4 बार देखोगे तब आपको थोड़ा रगेगा, दिल को राहत मिलेगी, वैसी ये मूवी है यार। और इस मूवी के लिए सिर्फ एक ही शब्द है मेरे हिसाब से जो कि इस मूवी को बिल्कुल सूट करता है, वो है ब्यूटीफुल। और कोई शब्द इस मूवी को मेरे हिसाब से बता नहीं सकता यार, ये जो शब्द है ना ब्यूटीफुल बिल्कुल सही शब्द है इस मूवी के लिए। और बताऊँ इसके ऐसा क्यों है, क्योंकि यार इस मूवी के जो एनिमेशंस हैं वो इतने गजब हैं भाई साहब, मतलब यार
क्या बोलें, इसके जो एनिमेशंस है, खासकर तो इस एनिमेशंस की डिटेलिंग इतनी कमाल की है कि यार बिल्कुल आप एनिमेशन में खो जाओगे। और साथ ही साथ इसकी स्टोरी तो है ही कमाल की, और मैंने बता ही दिया आपको स्टोरी, तो अब और कुछ तो है नहीं इस मूवी के बारे में, जितना भी था मैंने बता दिया है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते तो इसको लाइक कर देना। यार सही बता रहा हूँ, अगर आपने इस एनिमे मूवी को नहीं देखा तो देख लेना, हिंदी डब में मैंने लिंक दे के रखी है डिस्क्रिप्शन में, दोनों डबिंग टीम ने जिन्होंने भी इस मूवी को डब किया उनकी लिंक मैंने दी हुई है, तो आप दोनों से ही देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये मूवी पसंद आती है, अगर आपने इसको देख लिया, तो यार इस मूवी के लिए प्लीज़ एक लाइक ठोक दो यार मेरे वीडियो में प्लीज़ यार, ये सही बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की मूवी है। और अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, कितना बार बोलूँ यार मैं एक ही लाइन को। चलो यार, टाटा बाय बाय।